चैनल अभी 50 लाख यानी कि 5 मिलियन हमने का अपन चैनल से बना गए बहुत दर्शक के दुलार पर। एक बाद से जितना गाना होता सबके व्यूज मतलब 10 लाख 20 लाख 30 लाख सबके रिस्पॉन्स मिलता। तो हमने चाहा था कि गायकी के साथ साथ अपन क्षेत्र में एगो नया चैनल म्यूजिक के बाद जितने मतलब माध्यम से लोग भोजपुरी में गाना गाए कोई ना कोई के लोग अपना आइडियल मानेला चाहे भोजपुरी में गायक बड़े कौन सबसे अच्छा गायक भरत शर्मा जी बारे तू के एकरा तोर आइडियल के बात सोच के शुरू कैल अब कब शुरू कैल है। हम शुरू कैले बानी 2016 में खेसारी भैया के इंटरव्यू देखनी हम तो इंटरव्यू में गाना सुन ली न्यूज पर गावत और स्टूडियो में गावत हमारा डिफरेंस लागल कुछ तो हम सोच ली कि नहीं हमहूँ गा सकता नहीं समझा ले तो फिर अपन शुरू कर दिली। अब आदर्श माने खातिर पता सब सिंगर के सुनी ला जेकर चीज जवन अच्छा लगा ला कोशिश कर ला अपना अंदर लाने की कोशिश कर ला। भोजपुरी में गात के भोजपुरी बहुत साल पहले तक स्थिति खराब हो रहा है तो मैंने से गायब हो रहे अभी बहुत अच्छा फोन पर भोजपुरी आ गई अपन देश के साथ साथ विदेश फिल्मों के शूटिंग होता भोजपुरी में लोग अभी भी शहर में रहे वाला लोग कहला अब तो बहुत हद लोग स्वीकार कर दिल कि गलत भाषा के उपयोग होला भोजपुरी में अभी देखले माने कि बढ़िया अभी कोशिश करत रहा तू कहीं से भी गलत निवर्ती संवाद वाला गाना नहीं के एक बारे में का हम ये कहब कि भोजपुरी बड़ी साफ सुथरा भाषा बा बहुत मीठा भाषा बा तो लोग असली ना गाय चाहिए क्या कि गाना अच्छा रही तो कोई भी गाना हो क्या हमारा भक्ति गीत से रिस्पॉन्स मिलेगा जैकि लोग कोई वीडियो गंदा बना के गाना गा के सोच ला कि हमारा रिस्पॉन्स मिली लेकिन अच्छा गाना रहे तो वो अश्लीलता की कोई जरूरत नहीं क्या और अश्लीलता ना करे के चाहिए हम तो ये सोचे। एक लाइन में भी जानना चाहब गीत हर परिवार की स्थिति का बात कभी शायद हम सुनिए कि पढ़ाई भी करत पढ़ाई भी पूरी करत परिवार की स्थिति परिवार की स्थिति ठीक है उतना मतलब ज़्यादा नहीं कि हमने घर परिवार से उतना मजबूत लेकिन फिर भी मतलब अपन लक्ष्य रहे कि नहीं कुछ करे के बाद तो पढ़ाई भी हमारा मतलब ज़्यादा ही रहे कि करे के बाद लेकिन थोड़ा पैसा का भाव में एल्बम पढ़ाई दोनों पर जाते ना हो पाओ रहे लेकिन अभी सिंगिंग के कंडीशन अच्छा बा तेरा से इनकम भइल तो फिर हम ग्रेजुएशन के बाद MBA में एडमिशन करें और MBA के बाद PhD करे के बाद नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी जमशेदपुर से अभी कॉलेज भी करी ला टाइम मिला ला तो फेस्टिवल की छुट्टी होला तो स्टूडियो चल चला गाना गावे और फिर स्टेज खातिर मतलब कॉलेज देखते हुए हम अभी बात करब लेकिन एक बात हम यहाँ बता देनी चाहे दर्शक गए कि सुननी है कि किस तरह से यहाँ के लेकर लोग खाली गावे ना गाने ना गावे ला लोग आगे बढ़े कोशिश नहीं करला पढ़ाई भी पूरी करला। आप लोग सुननी है कि ग्रेजुएशन कैला के बाद पढ़ाई ना छोड़ ले यहाँ से मजबूर पढ़ाई छोड़ देवे ला लोग गाना भले गावत तड़े लेकिन पढ़ाई भी अपन जारी रख ले बड़े MBA करत तड़े अभी और उसके बाद PhD भी करी है तो निश्चित रूप से सोचे के बात बा सब युवा लोग के सीखे के जरूरत बा। हम दू लाइन जो दिव्य गीत से शुरुआत भैल रहा जो हिट भी भैल पहचान मिलल दू लाइन वो गाना बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलल रहे देवी गीत रहे वो गाना हम सुना होता नितिन दास न्यूज चैनल के देखल के माध्यम से वो गाना रहे ओकरा में भोजपुरी के सुपरस्टार अंतरा सिंह प्रियंका जी साथ में गई थी उन्हीं का लाइन था वो गाना जो कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला इस गाने को गाना ऐसे रहे कि ओ मोरे पिया ठीक नहीं किया ओ मोरे पिया ठीक नहीं किया अगढ़वा से लाली लाली चुनरी न लिया हो चुनरी न लिया। तो हमने के गाना के माध्यम रहे कि मतलब क्षेत्र के नाम भी आए रहता कि हमने की गढ़वा पलाम को लोग जाने और एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला ली गाना के और दर्शक सुनील भाई कभी मिली ये भी सुनने वाला की खास कर चाहे बॉलीवुड इंडस्ट्री हो के भोजपुरी में हो के छोटा जगह से आए वाला कलाकार अभिनेता हो के गायक हो के राइटर हो के ऊपर स्तर पर कितना तरजीह मिला था गैल हवा का देख लो कैसे व्यवहार देखे व्यवहार तो सच में बहुत गंदा मतलब गलत होता है लोग जो ये स्टार्टिंग करता है उसको उस दृष्टि से नहीं देखते हैं मतलब पैसा भी देगा लेकिन उस टाइप से कोई मेहनत करके काम नहीं करते हैं थोड़ा सा नया लोगों पर उतना भरोसा नहीं करते हैं लेकिन फिर भी लोगों को स्ट्रगल करना चाहिए। हम यही सोचते हैं कि हो सकता है जो आदमी आज हमको ठुकरा रहा है अगला दिन वही आदमी इज्जत करता है जो हमको उस दिन ठुकराता था वो आज इज्जत करता है जाते हैं तो नहीं अच्छा ये बढ़िया बहुत अच्छा तो हम समझते हैं कि किसी को मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को डिमोरलाइज करने से इंसान को नहीं कोशिश करते रहना चाहिए हो सकता है कि हम कभी आए तो वो भी हमको इज्जत करने लगे। टीवी में कई तरह के शो भी होते रहेगा प्रतियोगिता होते रहेगा गाएंगे क्षेत्र में तक फिर हमें जाके भी इरादा बता अभी तो देखिए कहे कि मतलब बाकी उसे स्कूल कॉलेज हर फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं लेकिन जब से एल्बम हो गई तो हम सोचने कि ना जब तक मार्केट में एल्बम से लोग हिट नहीं खे हो तो टीवी चैनल पर जाए से हम नहीं समझे कि उतना अच्छा हो सकता था हम पब्लिक के दिल में जगह बनाना चाहते हैं और एक बाद फिल्म में जाए कि इरादा था।
अंतिम से आप सवाल भी और अंतिम लक्ष्य भी, अंतिम लक्ष्य का हमारा अंतिम लक्ष्य मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में अच्छा सिंगर बन के और अच्छा मतलब एक्टर बन भोजपुरी मतलब फिल्म अच्छा अच्छा पारिवारिक फिल्म निकाली, बस ये सपना बा। मंजिला के अपन जिला पूरा झारखंड भोजपुरी समाज हर जगह के नाम होके ताकि हमने गर्व से कह सकेला, चाहे हमारे क्षेत्र के लोग अभी भी कहलन चाहे आउस कह सकता कि हमारे क्षेत्र के लड़का पर पढ़ाई के दृष्टि में भी भोजपुरी के देखा नहीं कि लोग मतलब अच्छा अच्छा स्टार के देखी ना कि मतलब अच्छा अच्छा जगह मिलेला तो वहाँ हीरोइन डांस करने वाली अच्छा बोल लेती है लेकिन भोजपुरी वाले थोड़ा सा ये डिमरलाइज हो जाते हैं। तो उस स्थिति में चाहते हैं कि भोजपुरी से अलग मतलब अपना पढ़ाई लिखाई के माध्यम से भी लोग देखें तो उसमें भी अच्छा डिग्री रहे और कोई भी कहीं भी जाए तो हर लैंग्वेज का जानकारी हो और अच्छा डिग्री भी हो प्रतिष्ठा भी मिले और अति सिंह तो मेन लक्ष्य। बहुत बहुत तारा धन्यवाद भाई धनंजय लाल यादव बड़े जो भोजपुरी गायन के क्षेत्र में उभरत अरे बहुत गाना हिट भी है लगातार प्रयास भी करत बड़े पढ़ाई भी करत बड़े ग्रेजुएशन के बाद MBA करके PhD भी करी हैं ये चलते करी हैं कि भोजपुरी में खास करके देखा जला कि बहुत ऐसे कलाकार बड़े जो प्रसिद्ध हो गए बड़े उनका प्रसिद्धि मिल गई बा लेकिन जब विदेशी धरती पर जाले जब उनका से वहाँ मुलाकात होला तो भाषा के परेशानी होला। हमार भोजपुरी कहीं से भी भोजपुरी पर तोहमत मत लागो, भोजपुरी के लोग हे दृष्टि से ना देखे, भोजपुरी भी आगे बढ़े ये खातिर प्रयास करत बड़े। हमार भी शुभकामना बा दासनी पूरा टीम के शुभकामना बा इनका साथे आगे बढ़त ताकि गढ़वा जिला के नाम राज अपने झारखंड के नाम और पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री के नाम होके। कैमरा मुनीष हम सहयोगी विकास और सोनू के साथ आशुतोष रंजन दास न्यूज गढ़वा।